कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद ने आज हक मार्केट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता की है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लोकसभा की सदस्यता रद्द करने पर आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वहीं मोहम्मद असद ने कहा है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अडानी के बारे में उन्होंने पूछा था, कई भ्रष्टाचार के मामले को उठाया था तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। वहीं उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने अपना बयान दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के आदेश पर जय भारत सत्याग्रह पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसी तर्ज पर आज शिवहर जिला में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमको सिर्फ दो सवाल पूछना है, अडानी और अंबानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है। अडानी जी का 22,000 की जो सेल कंपनी है ये पैसा किसका है, इसी उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी बराबर सच की आवाज उठाते रहे तो उनके सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 1 महीना का मौका दिया गया, इसको भी नहीं माना गया। उनको राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाना था, नहीं किया। क्या जोड़ी था इतना आनंद फानन में उनके सदस्यता को रद्द किया गया, क्योंकि भाजपा उनसे डर गई है कि 24 में मेरा सत्ता पलटने वाला है तो कभी कुछ का को यह बताना चाहते हैं कि कल जो 1 अप्रैल आ रहा है उसमें महंगाई चरम सीमा पर बढ़ने जा रहा है। गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, हर चीज का बढ़ रहा है। इस पर सोचे और इससे ऊपर उठकर 2024 में हर आदमी को इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और सरकार बनाना है जो आपके हर चीज में काम आए, जिसमें आपको खाना, भोजन, इलाज के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। विश्व में डंका पीटने वाला भाजपा पार्टी जो कह रही है कि बहुत बड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, क्या दिक्कत है भाई? विपक्ष अगर मांग कर रहे हैं कि JPC गठन हो जाए, जांच हो जाए, पूर्व की सरकार ने भी JPC गठन किए थे, गठन JPC हो जाए। अगर मोदी जी या अडानी जी की रिलेशन इतनी मजबूत है कि भारत के सबसे बड़े विपक्ष की नेता को सदस्यता कहा जाता है, जो अपनी कानून बना करके कोर्ट ने स्टे लगाया बिना ध्यान देते हुए, अब JPC गठन कर दीजिए ना, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। क्यों डंके की चोट पर करा जाए, बहुत ईमानदार है, बहुत बड़ी हम ही है, हम ही देश के, बाकी तमाम पार्टी भ्रष्टाचारी है। जो देश आजाद के समय पार्टी उससे पहले बना, कुछ पार्टी 1980 में बना, कुछ पार्टी 90 में बना, सभी ने देश और राज्य के लिए काम किया। मोदी जी तमाम पार्टी को कह रहे हैं भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक भाजपा ही है जो देश के लोकतंत्र पार्टी है और देश को बढ़ा रहा है। जो 8 वर्ष पहले आए उससे पहले देश नहीं था। हम मांग करते हैं कि आप JPC गठन कर दे, लोकतंत्र संविधान के तहत चले, विपक्ष की बात रखने का सदन में अधिकार मिले, आप लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत सदन चलाइए, तानाशाह रवैया छोड़िए, हिटलरशाही रवैया से देश नहीं चलेगा। आपको 24 में देश माफ नहीं करेगा। देश के लोकतंत्र की भावनाओं को समझिए और कुछ तरीका से काम कीजिए। 1 अप्रैल कल, ये 2014 से हर रोज 1 अप्रैल फूल दिवस होता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को हर रोज बेवकूफ बना रहे हैं। अगर उनको अपना छवि दिखलाना है तो JPC की गठन करें, अडानी की जांच करवाएं। राहुल गांधी ने मात्र 2 ही सवाल किया था संसद में, पहला कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, दूसरा ये 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियां द्वारा अडानी जी के पास आया है उसका जांच किया जाए, और एक JPC की मांग की थी कि ताकि JPC का गठन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। बस उसी के खिलाफ भाजपा ने एक पुराने केस में राहुल गांधी को आगे लाकर उनकी सदस्यता 24 घंटा के अंदर समाप्त करवाकर ये साबित कर दिया है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, दाल में काला है, इसलिए हम जांच नहीं करवाएंगे। मुख विपक्षी दल के जो मुख चेहरा है उसको हम संसद से बाहर करने का काम कर रहे हैं। BJP भारत की सरकार, BJP केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, चोरों की सरकार है, जुमलोबाजी की सरकार है। अगर 20,000 करोड़ अडानी पर, अडानी के पास किसके पैसे हैं, इसको उजागर करने के लिए हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पर ये कागज सदस्यता जाने का ये काम किया है,
तो हम कहते जब भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसको उजागर करने में क्या लगता है। यही तो मांग किए थे राहुल गांधी ने कि 20,000 करोड़ किसके है, और भ्रष्टाचारी का जहां से तक सवाल है कि आसाम असम के भी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या कहते हैं कि एमपी का भी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से कोई ज्यादा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इनके तो जब इनमें कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो गंगोत्री में धुआ जाते हैं और निर्मल सर्फ से धुआ करके साफ हो जाते हैं। अगर सीबीआई और ये सब जांच क्यों नहीं बैठ रही है इस पर, क्या कहते हैं अडानी पर, तो वो बैठेगी कहां विपक्ष पर। सिर्फ पब्लिक को मोर करके भटकाने का काम करते हैं, उलूल जलूल में यहाँ वहां करके काम करते हैं। इसलिए मोदी जी अगर सही में ईमानदार है और सच्चे देशभक्त है तो 20,000 का उजागर करे कि वो किसका पैसा है। भारत खतरे में, क्या कहते हैं कि भारत खतरे में, कांग्रेस अगर कोई कहते हैं कि कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस में क्या कहते हैं नामोनिशान मिट जाएगा। अगर ये सरकार चलती रही तो भारत खतरे में है और भारत का नामोनिशान ये सरकार मिटा करके।